गुड इवनिंग बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फॉर जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल इन द सीबीएसई बोर्ड एंड आल्सो यू कैन सी दैट इन यूपी बोर्ड. दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विद द फॉर ओनली वन नंबर. हाउ यू नो अबाउट द लीनियर पॉलीनोमियल? आप लीनियर पॉलीनोमियल के लिए जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल के लिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? आपने कल पढ़ा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके. आपने कैसे ए एक्स प्लस बी, कोई भी इस तरह का हम एक इक्वेशन लेते हैं विच हैव द ओनली वन हैव द एक्स 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 वाई वाई जेड जेड कुछ भी रहे, ठीक है, ऐसे में ले सकते हैं. अदरवाइज दो पांच में लेना तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है. तो लीनियर अधिकतर जो आप लोग का इस टाइप के अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. इन दिस व्हाट विल डू हियर इफ द सपोज यू नो अबाउट ऑफ द है छोटी, देखिए क्लास नाइन्थ वाले भी देख लेंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, और बीच वाला पार्ट क्या होता है ओरिजिन पॉइंट होता है. क्या होता है ओरिजिन पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है. तो आप बताइए स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज द लीनियर इक्वेशन. इसके लिए मैं एक कोई इक्वेशन लेता हूँ, सपोज कीजिए थ्री एक्स फोर वाई इक्वल टू यहाँ क्या आपका ट्वेल्व, एक इक्वेशन है. तो यू आर फ्री इन द एक्स एंड वाई, कोई दो एक्सिस में आप किसी एक का वैल्यू जो अपने तरफ से रख लीजिए, इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर लीजिए चाहे वाई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर लीजिए. जैसे यदि मैं यहाँ से कहूँ वाई की वैल्यू मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अपने तरफ से जीरो पुट कर दूँ, वन पुट करूँ, टू पुट करूँ, थ्री पुट करूँ, फोर पुट करूँ, ऐसे तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा ना. टेबल कैसे टेबल क्रिएट करेंगे आप एक्स के लिए और वाई के लिए, राइट. इफ आई एम पुटिंग द एक्स इक्वल टू, इसी में पुट करना, ध्यान से समझिएगा आप लोग. यदि मैं कहूँ यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो इन दिस, जब वाई की यहाँ से जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फोर जीरो का जीरो तो थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, और यहाँ से एक्स निकाले तो थ्री फोर जा, समझ गए, इसीलिए फिर बताना पड़ेगा, ठीक है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पुट किया, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख दे रहे हैं थ्री एक्स यहाँ पे फोर इंटू जीरो इक्वल टू ट्वेल्व, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस जीरो लिखना कोई जरूरी है नहीं. ऐसे क्या करें अब इसको हटा दो, अब क्या करें ये बीच में प्रोडक्ट है तो इससे क्या देख रहा हूँ डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये ट्वेल्व बाई थ्री यानी थ्री फोर जा, एक्स की वैल्यू क्या हो गया फोर. तो आप इसका कोऑर्डिनेट खींच लीजिए, ड्रा कीजिए, y इक्वल टू जीरो यानी y जीरो है और x कितना पॉजिटिव है ना, वन टू थ्री फोर यहाँ पर हो गया एक कोऑर्डिनेट. इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो शो कर दीजिए, पहले x और y लिखते हैं तो यहाँ पे एक जाए है रुके जीरो फोर और जीरो हो गया, क्लियर. एज वेल हियर वी कैन पुट जीरो सिमिलर, ऐसे हम चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, बैक में भी आ सकते हैं. बैक में कैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वी आर फ्री, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं सिंपल सा वे में समझें. तो अब सपोज कीजिए वाई वाई इक्वल टू जीरो पुट कर लिया, अब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन पुट करें, वाई इक्वल टू वन तो बताइए हम डायरेक्ट पुट करें कितना जाओ फोर वन जब फोर तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए ट्वेल्व माइनस फोर कितना आ जाएगा एट आ जाएगा, आठ को थ्री से डिवाइड कर दीजिए और इस तरह से अदरवाइज करके दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाइए. इसी इक्वेशन में थ्री एक्स प्लस फोर इंटू वन इक्वल टू दिस एंड आफ्टर दिस व्हाट विल डू, बैठ जाओ यार बैठ जाओ, फिर हम क्या करेंगे थ्री एक्स ट्वेल्व माइनस फोर थ्री एक्स कितना जाएगा पे
8 ऐसे डिवाइड कर लीजिए, एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे 8 अपॉन 3, तो कैन यू डिवाइड, चाहे पॉइंट में लीजिए चाहे पॉइंट में लीजिए चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 2 6, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 2 3 6 8 3 6 8 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट जब यहाँ कौन रखते थे चाहे 8/3 लिखिएगा, अच्छा इसको कट करके लिखिएगा, तो 2.6 इसके अधिक शो करता है, कि मतलब ये 2.5 से अधिक है, 2.5 इज द इंडिकेटिंग दैट दैट मीन्स 2.5 राइट। तब बताइए यहाँ पर यदि ऐसे में हमारा हो गया 1, वाई की वैल्यू कहाँ ऊपर जाएगा ना, वाई हमेशा ऊपर की ओर बच्चों शो करते हैं, और ये हो गया आपका क्या 2.6, 1 2 और 1 2 के बीच में यही मान लीजिए 50 है, तो 50 से 2 पॉइंट आगे बढ़ जाइए, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हमारा हो गया बी, इसको यहाँ पे शो कीजिए, पहले एक्स लिखते हैं 8/3 और क्या कर देंगे यहाँ पे 1 राइट। एज वेल एक्स इक्वल टू हमने स्टार्ट किया 0 से, फिर स्टार्ट किया 1 से, फिर आपके यहाँ पे टू पुट कीजिए, उसी इक्वेशन में पुट करते जाइए, तो 2 जब यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 का 8, इधर माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 12 - 8 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे डिवाइड कीजिए यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 कितना आएगा 4/3। तब यहाँ पे हाई 1 है तो यहाँ पर आ गया राइट, और यहाँ पे इसका 4/3 का मतलब क्या हो गया 1.33, 3 डिवाइड कर रहे हैं अब बचा 1.33 मतलब क्या डेढ़ से थोड़ा सा कम है, 2 पॉइंट कम है। अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये चीज, अरे ये 50 है उससे थोड़ा सा बैक में आएगी आप यहाँ पे मैच कर जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी, इसका पॉइंट लिखेंगे पहले एक्स लिखते हैं 4/3 और क्या लिखेंगे क्लियर। तो आप इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्या है ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक और इक्वेशन है 10 बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, हमें अभी एक इक्वेशन पे बताया ना, तो 2 इक्वेशन रहेगा 3 इक्वेशन रहेगा, तो ऐसे कहीं ना कहीं कट भी करेगा ऐसे ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसे कट गया या कोई ऐसे कट गया, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये आपका जो है एरिया शो करेगा, 2 इक्वेशन रहेगा, तो ऐसे कभी कभी आपका इक्वेशन यहाँ पे इसकी स्टेट से नीचे वाला भी शो करेगा, नीचे आपका दोनों निगेटिव गया है, तो आप जो है ये कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देता है इन योर बोर्ड, तो सिंपली आप क्या करेंगे यदि एक इक्वेशन का है तो आप फ्री हो के एकदम चाहे एक्स वैल्यू आप लीजिएगा चाहे वाई वैल्यू अपने तरफ से ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन जहाँ एक्स एक्स यहाँ पर वाई को 0 से स्टार्ट में किया, वहाँ से 3 डिजिट निकाल दीजिए 1 2 3 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट के बस 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल मतलब इसका एक और काफ़ी, इसी तरह ये आप चाहें तो एकदम फ्री कर सकते हैं, आप इसको एक्स वाला 0 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो आता है वो कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्स का फाइंड आउट करके निकाला है वहाँ पर एक्स को कूट कर वाई फाइंड आउट करेंगे, इस तरह जाएगा जो कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे शो करके दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारा ऐसे आगे बढ़ के निकल जा रहा है डायग्राम, ऐसे समझे जो कोऑर्डिनेट है तो कहीं ना कहीं जैसे मान इस तरह बना है, हो सकता है कभी काल ऐसे में बन जाए, एकदम स्टेट में बन जाए, स्टेट में बनेगा ऐसे यहाँ पे शो कर देगा, तो क्या यदि यहाँ से देखें एक जो रेक्टेंगुलर का दे देगा से, ठीक है। आप यहाँ से आपके आगे चलेंगे तो ऐसे पोजिशन बहुत से आपके प्रॉब्लम में उठाए जाते हैं, एक किसान है, किसान का फार्मर जो है, फार्मर उसका खेत जो है सपोज कीजिए उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 2 टाइम जो क्या है मोर देन है, 2 टाइम यानी ब्रेथ में ट्वाइस उसका है आप प्लस क्या है मोर देन है, यानी पेरीमीटर इतना व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोग इसी के बेस पर फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो बच्चों आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है, और कोई प्रकार का आपका डाउट होता तो आप बस पूछे, आपका एकदम बेफिक्र होकर जो है आप निश्चिंत रहें, आपका हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत, थैंक यू।